नाशपाती डिजिटल मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल का एक और कॉमिक स्किट आया है, अभिनंदन और अदनान समी के दरमियान गुफ्तगू, और किस तरह की कॉमिकल गुफ्तगू है आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आप पहले से माइंड नहीं बनाइएगा क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि वो आपका माइंड फौरन सेट कर देगा, फोकस कर देगा टकाटक टकाटक बुराई करने के लिए, लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको इसमें जो पॉजिटिव मैसेज है वो समझ में नहीं आएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फावद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। नाशपाती डिजिटल वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूब चैनल है, लेकिन वेरी टैलेंटेड। करंट अफेयर्स को लेकर आजकल जो जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी स्किट्स बनाते हैं, और उनकी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है जो लोगों को हर्ट कम करती है एक्चुअली। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी लिखो कुछ भी बोलो, एक ना एक ऐसा पॉकेट है लोगों का जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो आप जितनी भी एहतियात कर लो कोई ना कोई डेफिनेटली डिसीव होता है। अभिनंदन और अदनान समी के दरमियान एक गुफ्तगू है, क्योंकि अदनान समी को एजेंट कहा गया था वन ऑफ द पाकिस्तानी रिपोर्टर की तरफ से, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा या जोक्स बने और सारा कुछ, तो उसी की बात को लेकर उन्होंने स्क्रिप्ट बनाया है, तो बिना कोई टाइम जाया किए आइए देखते हैं। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। जहाज मिले टूट गए, बागा बॉर्डर पे इज्जत मिला वही छूट गई, एयरपोर्ट से छुट्टी हो गई, बीवी मेरे से कुट्टी हो गई। अश्लील तिवारी तू सही बोलते है, मैं जिंदा वापस आते कुछ नहीं छूटते, ऊपर वाले मैं अपने इज्जत वापस मांगते प्लीज, मेरा इज्जत मेरे को वापस मांगते। अयो मेजर आदनान सामी, ऊपर वाले मैं इज्जत मांगते तुम जिल्लत भेजते, इधर भी भारत के कनेक्शन थे, मैं अपना मिशन छोड़ के तेरी मदद के लिए आया हूँ, बता मसला क्या है? मोदी मेरे को रिजेक्ट करते, इमरान खान मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं समझ गया तू किसका बंदा है। सर मैं अपनी बीवी का बंदा है। बीवी का बंदा छोटी, अब मैं बनाऊंगा तुझे एजेंसी का बंदा। एजेंट में अदनान, ये मकाम हर किसी को नहीं, मुझे मिला था अब तुझे मिला है। सर मैं जहाज गिराया, आप अच्छा आप मोटे ना पियानो पे गिरे, पियानो पे छोटे छोटे कीबोर्ड हो गए। किसी फील्ड की जिल्लतें मिले बगैर उस फील्ड की इज्जतें नहीं मिला करती। सर इतना गाढ़ा बात करते हैं मेरे मुझ सीधा हो जाएगा। सुन अब मैं तुझे सिखाता हूँ लॉज ऑफ बेगैरती। सर ये टॉपी आप लाइट हाउस से खरीदा है? छाटी का रूल नंबर वन लाइट हाउस, यहाँ पे लुंडा बाजार है पाकिस्तान में, कपड़े उतारते हैं आप इधर बेडरूम यू नहीं, नंगा तो मैं हुआ। ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, हिंदुस्तानी होते हुए ट्विटर पे पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके आगे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सर इससे मसला नहीं होगा? कोई मसला नहीं होगा। रूल नंबर टू ढीठ हो जाना। सर थोड़ा से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज। कोई बोले कुत्ता, बोल हाँ, अरे बाप रे। कोई तुझे बोले कमीना, हाँ हूँ। कोई बोले बेशरम, तो बोल हाँ हूँ। कोई बोले बुलशिट, तो आप बुलशिट। सर ऐसा बात करते तो पब्लिक का रिएक्शन आता। ये दो कौमें है ना पाकिस्तान और इंडिया, बड़े जज्बाती हैं, अपने मुल्क को लेके ना आग भगोला हो जाता है। आप ये अंदर मेरे को शेक्सपियर दिखते, शेक्सपियर। बस इनके इसी जज्बे की दम पर पांव रख के आप बनते हो स्टार। सर
थोड़ा थोड़ा सुअर भी दिखते हैं आप मेरे स्टार्स का बहुत रिएक्शन आते हैं पागल स्टार्स ही सुपर स्टार बनाते हैं घंटा स्टार बनेंगे अजीत देवगन के अंदर ना बस जलील करके रख देंगे एक मिनट ये एक दो पेट्रियोटिक स्टार्स होते हैं मुझे भी फैसल कुरैशी शान शाहिद बहुत जलील करते बहुत गंदा करते हैं और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूं आपके कंट्री में दो स्टार स्टार से तो मुल्क भरा पड़ा है मगर बोलते नहीं है ना मैं बोलकर बगैर वो खामोश रहते बगैर असल में इनका दाना पानी ना इंडिया से चलता है सॉरी सॉरी अगेन थोड़ा करेक्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन है क्यों नहीं मुझको भी तो नृत्य करा दे थोड़ी सी तो नृत्य करा दे आसमासों को दिया ऐसे वैसों से मतलब अली जफर और मायरा खान है ख्वाब में देखा कि उड़ी का अटैक फेक था व्हाट एन एजेंट सर व्हाट एन एजेंट सिर्फ ये नहीं दो जहाज पाकिस्तान आने वाले किसने बताया इंडियन सबमरीन पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो रहे किसने बताया सर आपका दोनों हाथ मांगते हैं चुप अगर ये दो लेवल क्रॉस हो गए तो आएगा रूल नंबर 3 बेगैरत होना पड़ेगा आर यू रेडी फॉर दिस सॉरी सर आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस अरे पागल तू अदनान समी के मकाम से थोड़ा सा दूर सर पैदल जा सकते हैं मैं करीम की राइड डाले इस ट्वीट के बाद कुछ जज्बाती हिंदुस्तानी शदीद गुस्सा करें अब तू पलट कर पूरे हिंदुस्तान को गाली देगा सर ये क्या बोले थे ये कैसे पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल ये करेगा ना तब तेरे अकाउंट में आएंगे 26.7 बिलियन डॉलर ओहो अभी आपका अकाउंट में ये पैसा है आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस सर शायद ही कोई इंडिया पाकिस्तान में पैसे के लिए अपना कंट्री को गाली दे सही बात एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली बात ये है चमन बॉर्डर के एजेंट मैं डीट बनते हैं जलील बनता है बेगैरत बनता है ऑपरेशन करा के चक्का बनते हैं लेकिन मैं अदनान समी नहीं बनते हैं किधर गया जाद मिला टूट गई इज्जत मिला छूट गई एयरपोर्ट से छुट्टी हुआ बीवी मेरा छुट्टी अदनान समी किधर है मैं धुन बना लिया हम गाना कंपोज करते बेगरत का बच्चे गाना कंपोज करते नॉन स्टॉप लाफ नॉन स्टॉप अदनान समी को तो दिहाड़ के रख दिया है जलील डीट बगैरत चोर सब बना दिया पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने एज अ जोक ट्वीट किया था मेजर अदनान समी पाकिस्तान का एजेंट इंडिया में हमने बिठाया हुआ है और वो रिपोर्टें ला ला के हमें दे रहा और उसके बाद जो एक ट्वीट्स का और सोशल मीडिया पे मीम्स का और स्किट्स का जो तांता बताए आई थिंक इट गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स बहुत ज़्यादा हो गया था एक वक्त में लेकिन ये बाद में खुद ही ठंडा हो गया अदनान समी ने भी ट्वीट्स करके उस रिपोर्टर को ठीक ठाक गालियाँ दी थी बुरा भला बोला था लेकिन ये स्किट वॉज ब्रिलियंट किस तरीके से एक कॉमिक टाइमिंग लेके चलता है ये लड़का कैसर अली बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड एक्टर है यार जो अभिनंदन और अदनान समी दोनों का कैरेक्टर निभा रहा था क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है इसकी आई रियली लाइक हिम टू बी ऑनेस्ट तो जो मेरे इंडिया के व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप ऑफेंड नहीं होइएगा इसको एज ए कॉमिकल स्किट ही लीजिएगा उसने ज़्यादा बैंड तो अदनान समी की बजाई है तो फिर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी कि जिस तरीके से अदनान समी के साथ बर्ताव किया है और अभिनंदन बेचारा मासूम है कि बताओ कि किस तरह से इतनी स्टार पावर लेनी है वो उसको तरीके जो बता रहा था मैं अभी तक हंस रहा हूँ मुझे बात नहीं की जा रही
अगर आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया, लेकिन बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और मुझे रिकमेंड कीजिए जो भी आप वीडियो रिएक्ट करवाना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या कमेंट्स बॉक्स में। आई वुड लव टू डू दैट। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहे, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।